हसनपुर के ग्राम संथालपुर स्थित गौशाला में जहरीला चारा खाने से 60 गौवंशीय पशुओं की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही चारा बेचने वाले ताहिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी कई अन्य गायों की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। साजिशन चारे में विषैले पदार्थ मिलाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दूं कि संथालपुर की गौशाला में कुल 188 पशु पंजीकृत हैं। बुधवार को गौशाला में काम करने वाले श्रमिकों ने चारा विक्रेता ताहिर से चारा खरीदा था। उक्त चारे को काट कर खिलाने के बाद गुरुवार सुबह से ही पशु बीमार होने शुरू हो गए, और जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक एक के बाद एक करके 61 पशुओं की मौत हो गई, और इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी व एसडीएम सुधार कुमार समेत पशु चिकित्सकों की टीम भी गौशाला पहुंच गई। डीएम ने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद जिससे चारा खरीदा था उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा कर तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए हैं। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं, पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। इसके साथ ही डीएम ने पशु चिकित्सकों को गायों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि डीएम ने 25 गायों के मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि शेष गायों का इलाज चल रहा है। ये साथकपुर गौशाला जो कि तहसील हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं, और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। चारा कल लिया था, खरीदा था और कटिंग करके आज खिलाया है, तो उसके खाने के बाद से कई पशु हमारे जो बीमार पड़ गए, और उसमें अभी जो बीमार ज़्यादा पड़ गए थे उनको पॉइजन भी हो गया, तो डॉक्टर से इलाज भी कर रहे हैं और कुछ से मृत भी हो गए हैं। लगभग अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। एक तरफ जहां प्रशासन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हजारों की तादाद में गौशाला बना रही है, लेकिन गौशाला की देखरेख करने वालों को शासन काल लाखों रुपए हड़पने में माहिर है। प्रशासन गौशाला वालों पर चुप है। 25 गायों की मौत के बाद गौशाला देखरेख करने वाले क्रेन से किस तरह मृतकों को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ गायों का ट्रीटमेंट अभी भी जारी है और उनमें पॉइजन पाया गया है, बाकी गायों का इलाज चल रहा है, जिनके जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारी और मंडली टीम भी डॉक्टर से आ गई, दवाएं आ गई हैं, इलाज चल रहा है, बाकी को जिनको पॉइजन हुआ है जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। इसके साथ ही प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।